जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सर्कल में आपका स्वागत है। मैं पंडित शरद कुमार राजेंद्र प्रसाद जोशी अपने इस चैनल में एक और वीडियो लेकर आया हूं, जो कि इस वर्ष यानी वर्ष 2022 के मकर संक्रांति से संबंधित है। दोस्तों, मकर संक्रांति के साथ अनेक पौराणिक तथ्य जुड़े हुए हैं, जिसमें इस दिन भगवान आशुतोष ने भगवान विष्णु जी को आत्मज्ञान का दान दिया था। इसके अतिरिक्त देवताओं के दिन की गणना भी इसी दिन से प्रारंभ होती है। सूर्य जब दक्षिणायन में रहता है तब इसे देवताओं की रात्रि मानी जाती है, और जब सूर्य उत्तरायण में होता है तब इन 6 महीनों को देवताओं का दिन माना जाता है। महाभारत के कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने भी अपने देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का दिन ही चुना था। कहा जाता है कि इस दिन गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी, इसलिए आज के दिन गंगा स्नान व तीर्थ स्थलों में स्नान दान का विशेष महत्व माना गया है, और मकर संक्रांति से ही मौसम में बदलाव का आना शुरू होता है। यही कारण है कि रातें छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं। कहा जाता है मकर संक्रांति के दिन देव भी धरती पर अवतरित होते हैं, आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। इस दिन गरीबों को अन्न दान, तिल व गुड़ का दान व तिल्ली से बने लड्डू का दान करना चाहिए। इस दिन सूर्य देव की पूजा करने के साथ साथ सूर्य देव को अर्घ देना भी चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं वर्ष 2022 के मकर संक्रांति के बारे में। वर्ष 2022 में मकर संक्रांति शुक्रवार दिनांक 14 जनवरी को रहेगी। इस दिन सूर्य धन राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि वर्ष 2022 की मकर संक्रांति का स्वरूप कैसा रहेगा। पंचांग के अनुसार संक्रांति बालवकरण में होने वाली है। संक्रांति का वाहन व्याघ्र यानि वाघ और उपवाहन अश्व यानि घोड़ा होगा। पीले कलर के वस्त्र को धारण किए हुए हैं और केसर का तिलक लगाए हुए हैं। शस्त्र के रूप में हाथ में गदा लिए हुए हैं। पदार्थ के रूप में पायस यानी खीर का भक्षण किए हुए हैं, और खुशबू के लिए जाति का पुष्प हाथ में लिए हुए हैं, और आभूषण के रूप में मोती धारण किए हुए हैं। सर्प जाति की एवं कुमारी अवस्था में है। वार नाम मिश्रा व नक्षत्र नाम नंदा है। संक्रांति का आगमन उत्तर दिशा से होगा और दक्षिण दिशा में प्रस्थान करेगी, तथा संक्रांति की दृष्टि नैऋत्य दिशा में रहेगी। संक्रांति जिस दिशा से आ रही है वहां सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, एवं जिस दिशा में जा रही है व जिस दिशा पर दृष्टि है वहां पीड़ा कष्टकारी हो सकता है। यह संक्रांति चोर, नास्तिक और दुष्ट बुद्धि लोगों के लिए कष्टदायक होगी। तो दोस्तों, यह वर्ष 2022 की मकर संक्रांति की जानकारी आपके समक्ष रखा। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम।